जिस लोकपाल बिल की मांग पर जनता से लेकर नेता तक उतरे, उसी लोकपाल पर राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाने के लिए एक बार फिर हो रही है कोशिश। आज लोकपाल बिल पर राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी की पहली बैठक है। इस सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी हैं। 15 सदस्यों वाली इस कमेटी में कांग्रेस के शांताराम नाइक, सत्यव्रत चतुर्वेदी और शादीलाल बत्रा शामिल हैं, जबकि बीजेपी की ओर से अरुण जेटली, राजीव प्रताप रूडी और भूपेंद्र यादव इस कमेटी में हैं। इसके अलावा इस सेलेक्ट कमेटी में सीपीएम के एन बाल गोपाल, जेडीयू के शिवानंद तिवारी, डीएमके के तिरुचि शिवा, बीएसपी के सतीश मिश्रा, टीएमसी के डी बंदोपाध्याय, एसपी के राम गोपाल यादव, एनसीपी के डीपी त्रिपाठी, एआईएडीएमके के वी मैत्रेयन और नामित सदस्य एके गांगुली शामिल हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में लंबित रह जाने के बाद पिछले बजट सत्र में इस लोकपाल बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने का फैसला किया गया था। इसके बाद 15 जून को राज्यसभा ने 15 सदस्यों वाली सेलेक्ट कमेटी बनाई है। इस बिल पर कमेटी को मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन रिपोर्ट देनी है।